A'udhu billahi minash shaitaanir rajeem. bismillahir rahmanir raheem. आबिदा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप इसको काइंडली रीड करें, लेसन 3. In this lesson, we learn the use of the Arabic definite article al, which corresponds to the English the when the defined article al is prefixed to a noun. Naturally, the identify article an is dropped. इसका क्या मतलब है? जिस तरह से हम इंग्लिश में दा को यूज करते हैं जी, तो इस तरह से हम इसमें अल को यूज करेंगे। जैसे अल बईतु में अगर हम बैत लगाएंगे तो अल लगाने से दा किसी को खास कर रहे हैं तो उसके लिए दा का लफ्ज यूज करते हैं। तो ऐसे हम अरेबिक में दा तो नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि टी की जगह पे हम अल यूज करेंगे। जैसे अल बईतु, वैसे लफ्ज बैत है, घर को कहते हैं, और इस तरह अल बईतु, ठीक है। बैतून का मतलब है आ हाउस और अल बैतू का मतलब है दा हाउस। दा हाउस। और बैतून को जब आप कन्वर्ट करेंगे अल बैतू में, तो जो तनवीन है उसको लगाएंगे अल बैतू में जी। अल बैतू में फिर हम एक ही लगा रहे हैं ना, अल बैतू सिर्फ पेश लगा रहे हैं। जब अल बैतून है तो फिर हम लगा रहे हैं, ठीक है। उससे नीचे पढ़े। Arabic has 28 letters. Of these, 14 are called solar letters, and the other 14 are called lunar letters. In the articulations of the solar letters, the tip or the blade of the tongue is involved in, as in T and RS, etc. The tip of or the blade of the tongues does not play any part in articulations of the longer letters in B, W, M, K, etc. When al is prefixed to a noun, beginner with the solar letters is I, or al is assimilated to the solar letters al. Shamsu, the sun, is pronounced as shamsu. Okay, इसमें आपको क्या समझ आई है? स्टार्ट में तो ये समझ आई कि अरबिक में 28 लेटर्स हैं, जिसमें से 14 जो है वो शमसी लेटर्स हैं, शमसी हरूफ हैं, और जो 14 हैं वो कमरी हरूफ हैं, ठीक है। और उसमें जो है ये कि जो जुबान की नोक से अदा होने वाले लफ्ज हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि TNRS इसको पढ़ेंगे ता, नून, रा और सीन। ओके, ता, नून, रा और सीन, ठीक है, ये है। और इस तरह से द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ टंग डज नॉट, और जो कुछ हैं वो मतलब जो कमरी हरूफ हैं, जैसे बा, मा और का, ये वाले होंगे जी, ठीक है। और जब हम अल को करेंगे तो स्टार्ट में ये जो है शमसी हरूफ है, तो इसमें हम आई की जगह पे अल को यूज कर लेंगे। तो ये लाम की जगह, किसकी जगह पे? लाम, नाउन की जगह। अच्छा, लाम की जगह पे हम अल को यूज करें। जैसे नीचे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी है कि अगर हम अल शम्सो अश शम्स के हम साइलेंट कर रहे हैं हम इसको जी। जैसे अलिफ लाम, यहाँ पे हम लिखा हुआ है अल शम्सु है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको अल शम्सु की बजाय अश शम्सु पढ़ रहे हैं, कि लाम जो है बीच में साइलेंट हम कर रहे हैं। और नीचे अल कमारू, आगे नो चेंज टेक्स प्लेस इन राइटिंग, के राइटिंग में जो है वो चेंजिंग नहीं है। द एसिमुलेशन इज इंडिकेटेड बाय द शद्दा ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नाउन, के नाउन का जो फर्स्ट लेटर था मतलब अलिफ लाम लाम जो था, हमने उसको साइलेंट कर दिया। एंड नो सच सिमिलैरिटीज टेक प्लेस विद द लूनर लेटर्स, और जो हम कमरी लेटर्स में पढ़ेंगे जैसे अल कमारू, तो इस प्रोनाउंस को हम अल कमारू, इसका क्या हुआ कि अगर हम इसको अल कमर के साथ ही पढ़ेंगे, लिखेंगे भी अल के साथ और पढ़ेंगे भी अल के साथ, सही। तो इसको ऊपर हमने उसको अशम्सु को पढ़ा तो उसमें हमने साइलेंट कर दिया, तो इसमें हमने साइलेंट नहीं किया। शमसी लेटर्स में नहीं पढ़ते और कमरी लेटर्स में पढ़ते हैं। शमसी लेटर्स में जो अल है वो साइलेंट हो जाता है उनका। सही, ठीक है। अभी नीचे एग्जाम्पल्स भी आएंगी। सही, ठीक है। here are some more examples of the assimilations of the lam or al are the solar letters al najmu become an najmu, al rajulu become ar rajulu, al dikku become al dikku, al samaku becomes al as-samaku. Okay, see the table of the lunar and lunars and solar solar letters. Okay, page number. Okay, note that the a or al is pronounced only when it is not preceded by the another word. If it is preceded by word, it is dropped in pronunciations, so it remains in writing. Al baitu, here is the a pronounced, but it is preceded by wa meanings, and the a is dropped and the phrase is pronounced wa al baitu and wa wal al baitu. मतलब हम इसको जब पढ़ेंगे कि अरेबिक में ए और आल को when the proceed by another के, हम इसको जब अल बैतू को पढ़ रहे हैं तो वा और आ के साथ इनके वल बैतू, तो वा अल बैतू नहीं पढ़ेंगे। मतलब जो हमने अलिफ लाम है ये शमसी रूप में अगर आ रहा है तो हम इसको वा अल नहीं पढ़ेंगे, वल पढ़ेंगे। और ये इसी तरह शमसु पढ़ेंगे, वशमसु। अल भी नहीं पढ़ेंगे, अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे, अली भी नहीं पढ़ेंगे। तो जहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल जो दी थी वल बैतू, तो अगर हम करेंगे वा अल शमसु नहीं पढ़ेंगे बल्कि वह शमसु पढ़ेंगे। तो इस तरह वा वल बैतू पढ़े तो वा अल बैतू नहीं पढ़े जी। ये पढ़े टू इंडिकेट दिस omissions is pronunciations the sign is placed above the हमजा के। अगर हमजा के ऊपर ये वाला साइन आ रहा है जो कि यहाँ पे मेंशन है, सॉरी इस साइन को वसल बोलते हैं, वसल, ठीक है। वसल द इनिशियल्स वावल्स आ आई और यू विच इज प्रोसीज्ड बाय अ वर्ड इज कॉल्ड हमजा अल वसल। तो इसमें द डोर इज ओपन, अल बाबू मफ्तूहन, अल कमारू मक़सूरुन। पेन जो है वो टूटा हुआ है, दरवाजा जो है वो खुला है, अल बाबू मफ्तूहन। वी हैव ऊपर वॉवल लिखे हुए हैं ए आई और यू, इसको पढ़ते हैं फता, कसरा और दमा। ठीक है, फता, कसरा और दमा। Okay, we have learned the ta'wil. Tanween. Okay, tanween is identify article and it is to be translate as aeg. जिसमें है बैतुन, a house. The this does not apply to adjective like maftoohun, open and maqsourun, broken. इस सब में जो है वो तनवीन आई मत जैसे दो पेश आ गई है, मफ्तूहुन, बैतून और मक़सूरुन। वो नाउन में यूज होती हैं लेकिन एडजेक्टिव्स पे अप्लाई नहीं होती। या गनीयुन, अब नीचे वोकैबुलरी जो लिया, गनीयुन, तवीलुन, वारिदुन, जालिसुन, जदीदुन, फकीरुन, कसीरुन, हारुन, वाकिफुन, कदीमुन, बाइदुन, वासिखुन, कबीरुन, करीबुन, नजीफुन, नजीफुन, कबीरुन, सगीरुन, सकीलुन, खफीफुन, अलमाउन, अलवारिकुन, जमीलुन, अलफत्ताहु, अत्तुफाहु, हुलुवन, अद्दुकानु, मरीदुन, हुलवन, ओके, हुलवन। नसरीन अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप इसको रीड करें। बैतुन हाउस, अल बैतु बैतुन का मतलब हाउस। बैतुन का क्या मतलब है? हाउस हाउस। और अल बैतु? अल बैतु द हाउस। जी आगे। किताबुन अ बुक, अल किताबु द बुक। कलमुन अ पेन, अल कलमु द पेन। जमलुन, जमलन का मतलब कैमल होता है। जी आ कैमल। अ कैमल, अल जमलु दी कैमल। आगे इसको पढ़ें। अल कलमु मक़सूरुन, द पेन इज ब्रोकन। अल बाबु मफ्तूहुन, द डोर इज ओपन। अल वलदु जालिसुन, The boy is sitting. المدرس واقف. مدرس teacher. And teacher is standing. And teacher is standing. ठीक है, नीचे बढ़ें। الكتاب جديد والقلم قديم. The book is new and the pen is old. الحمار صغير والحصان كبير. हिमार का मतलब donkey. जी. The donkey is small. जी. And the horse is big. Yes. الكرسي مكسور. Chair is broken. المنديل وسخ. The kerchief is dirty. Al-ma'u baridun. The water is cold. Al qamaru jamilun. The moon is beautiful. Al-baytu qareebun. Wal-masjidu ba'idun. The house is near and the masjid is far. Al-hajaru thaqilun. والورق خفيف. The stone is heavy. The stone is heavy and the paper is light. اللبن حار. The milk is so hot. القميص نظيف. The shirt is nazif ka matlab clean. The shirt is clean. Shahid. अस्सलाम वालेकुम। आबिदा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इसको रीड करें। मस्जिदुन मस्जिद, अल मस्जिदु ता, ऐसे साथ में। जी जी ठीक है। अलमा पानी, दा पानी, मांग आ पानी, अल बैतु घर, बाबुन दरवाजा, कलमुन कलम, अल कलमुन। आपने इसकी अल्फाज की आखिरी हरकत के साथ पढ़ने हैं, जैसे फर्स्ट पे है मस्जिदुन, ठीक है, मस्जिदुन, ठीक है, अल मस्जिदु, यस, अल माउन माइन, अल माउ माउन, ओके, अल बैतु, जी, बाबुन, यस, कलमुन, कलमुन, अल कलमु, कलमुन, अल कलमु, अल कल्बु, कल्बुन, कमीजुन, वलदुन, अल हजरु, अल वलदु, हिमारुन, अल हिमारु, अल हिसानु, हिसानुन। अल मक्तबु मकसूरुन, अल मदरसु जदीदुन, अल कमीजु जदीदुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल कमीजु वासिखुन, 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 अल अल लबनु वारिदु बारिदुन, अल लबनु, अल लबनु बारिदु, अल मस्जिदु मफ्तूहुन, अल हिजरु हजरुन, अल हजरु कबीरुन, अल हजरु कबीरुन, अल लबनु बारिदु, वल माउ हारुन, अल इमामु जालिसुन, वल मदरिसु वाकिफुन, वल मुदर्रिसु वाकिफुन, वाकिफुन, अल कमारु बाइदुन, अल मुंदीलुन नजीफुन। इम्तियाज जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमला अल फरागा फीमा यली बिवद अल कलिमात अल मुनासिबती मिन अल कलिमात अल तालिया। नीचे दिए गए जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसको आपने फिल करना है, जो वर्ड्स आपको गिवन है इसमें से। फर्स्ट वन को करें, अल हजरु, अल हजरु, अल अल हजरु, जी, हजर का मतलब, हजर का मतलब स्टोन, पत्थर, अल हजरु खफीफुन, खफीफ उनका क्या मतलब है? हार्ड। खफीफ उनका मतलब है हल्का, लाइट। सकील उन आएगा यहाँ पे, सकील, ओके, अल-हजर सकील, ठीक है। नेक्स्ट, अल-बाबू, जी, अल-बाबू जमीलुन, नो नो, अलबाबू, अलबाबू, अलबाबू वसीखुन, वसीखुन नहीं, अलबाबू दरवाजा, मफ्तूहुन खुला हुआ, अलबाबू मफ्तूहुन दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। थर्ड वन, अल कमरु जमीलुन, ठीक है, द मून, अल वरकु, वरकु का मतलब पेपर, अल वरकु खफीफुन, ओके, अल मिंदीलु वसीखुन, ओके, द कर्चीफ इज वसीखुन मतलब डर्टी है, ठीक है। अल्लबनु हारू हारू ओके बिल्किस हॉट शाहिद आबिदा। हाँ जी इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करें कोई भी वर्ड्स मुनासिब वर्ड्स लगा के। ओके अल कमीजु नजीफुन यस ओके ओके al qalamun maqsourun ओके al labanu baridun next al babun qaribun okay next sayaratun baidun सयारा मोनस है और ये मुजक्कर है। मोनस और मुजक्कर इकट्ठे नहीं आ सकते। ओके अल किताबु बाइदुन ओके वाकिफुन राजलुन वाकिफुन और राजुलु राजुलु वाकिफुन ओके अल वालदु जालिसुन ओके के अश्शजरु कबीरुन नो शजरू मोनस है। हाँ शजरू अल जामालु कबीरुन ठीक है ओके अल कदीम कदीम अल बइतु कदीमुन ओके ठीक है किताबुन जदीदुन जदीद इम्तियाज जी मैम ये न्यू वर्ड्स पढ़े। al qamaru jamilun jadidun new qadimun small old qadimun old yes wasikhun dirty nazifun clean nazifun clean hai na yes Harun hot Harun hot yes Baridun cold Sagirun small Kabirun big maftooh open so yeah maftooh open yes. maqsourun closed broken maqsourun broken Yes. Thaqilun, heavy, भारी. जी, thaqilun, heavy. Yes. Khafifun, light, हल्का. Khafifun, light. Jamilun, ठीक है. Beautiful. जी जी. Khafifun, light, light. Jamilun, beautiful. Yes. Waqifun, standing. Waqifun, standing. Jalisun, sitting. Yes. Abida. हाँ जी, इनको रीड करें. नजमुन, अन्नजमु, राजुलुन, अर्राजुलु, दीकुन, अद्दीकु. दीकुन का मतलब दीकुन, मुर्गा. मुर्गा के तालिबुन, अतालिबु, अन्नजमु, बाइदुन, अर्राजुलु, वाकिफुन, अस्सुकरु, अस्सुकरु, हुलुन, अतालिबु, मरीजुन, अद्दीकु, जमीलुन, अद्दफ्तरु, जदीदुन. Yes. अत्ताजिरु, गनीयुन. Yes. अद्दुकानु, मफ्तूहुन, अलवलदु, फकीरुन, अत्तुफाहु, लजीजुन, अत्तबीबु, तवीलुन, वलमरीजु, कसीरुन. इम्तियाज. Woman. He's not walking. He is running. Wala yamshi, wala yajri. Fourth one. He's walking. He's not running. Wala yamshi, wala yajri. First one. He's not walking. He's running. Huwa la yamshi, huwa yajri. He's walking, he's not running. Huwa yamshi, huwa la yajri. Women do not have rights. An-nisa'u laysa ladayhinna arzun. Third one. The women has rights. An-nisa'u ladayhinna arzun. First one. He's not walking, he's running. Huwa la yamshi, huwa yajri. The women do not have rights. An-nisa'u laysa ladayhinna arzun. The boy doesn't have a pen. Al-waladu laysa ladayhinna qalmun. Third one. The women have rights. An-nisa'u ladayhinna أرسل. The boy doesn't have a pen. الولد ليس لديهن قلم. ليس لديه. ليس لديه. He's not walking. He's walking. He's not running. هو يمشي. هو لا يجري. The boy doesn't have a pen. الولد ليس لديه قلم. The women do not have rights. النساء ليس لديهن أرز. Women have rights. النساء لديهن أرض. Abida. Yes, ma'am. इसको रीड करें. Al-waladu ladayhi halibun. The boy has milk. Al-waladu laysa ladayhi halibun. The boy does not have milk. The boy has milk. Al-waladu ladayhi halibun. The boy does not have milk. Al-waladu laysa ladayhi halib. Al-banatu ladayhunna darajatun. The girls have bicycles. Al-waladu ladayhi halibun. The boy has milk. The girls have bicycle. Al-banatu ladayhinna darajatun. Al-waladu laysa ladayhi halibun. The boy does not have milk. Al-banatu laysa ladayhunna darajatun. The girls do not have bicycles. Al-waladu laysa ladayhi halibun. The boy does not have milk. The girls do not have bicycles. Al-banatu laysa ladayhunna darajatu. Al-waladu ladayhi halibun. The boy has milk. Al-banatu ladayhunna darajatun. The girls have bicycles. Hum la yasbahuna. They are swimming. They are not swimming. They are not swimming. Al-banatu laysa ladayhunna darajatun. The girls do not have bicycles. Hum la yasbahuna. Hum la yasbahuna. Which one? 4. Hum la yasbahuna. Al-banatu ladayhunna darrajatun. The girls have bicycles. Hum la yasbahuna. Number 4. Hum la yasbahuna. Al-banatu laysa ladayhunna darajatun. The girls do not have bicycles. Hum la yasbahuna. They are not swimming. Hum la yasbahuna. Imtiaz. The woman is driving a car. Al-mar'atu تقود سيارة. أنا أعيش في بكين في الصين. قميص أخضر. Which one is correct? I didn't heard the first one. المرأة تقود سيارة. The first one. المرأة تقود سيارة. Two children. Islami. Islam. The women are swimming. النساء يسبحن. الولد يقرأ. الولد يشرب. النساء يسبحن. هو يجري. هو يجري. هما طبختان. السمكة تسبح. هما نائمتان. هما نائمتان. الرجل يشعر. يشعر بايدو. First one. No, first one again. The adults are running. هو نائم. الولد يشرب. المرأة تشرب. هو نائم. كتابي. The dog is not running. القلب لا يجري. The two boys